हाय गाइस। तो दोस्तों आज मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ, नर्वस हूँ, बिकॉज आज मेरे को देखने के लिए आ रहे हैं लड़के वाले। यस गाइस, मेरे घर पे लड़के वाले आ रहे हैं मेरे को देखने के लिए। एंड मेरे को सो मैं पहन रही हूँ ये पिंक कलर का सूट। एक्चुअली मेरा मन था वो ब्लैक पहनने का, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला आज के दिन ब्लैक नहीं पहनते हैं, तो इट्स ओके। गाइज हम पिंक पहन लेते हैं, इसकी ये भी अच्छा है, इसकी चुन्नी काफी अच्छी है। ओके सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैंने वो सूट पहन लिया है। एंड पता नहीं क्यों मेरे को ये कपड़े पहन के ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा रिच हो गई हूँ। मेरे को थोड़ी रिच वाली फीलिंग आ रही है कि मैंने बहुत होने के बाद मैं निकल गई अपने भाई के साथ मिठाई लेने के लिए। मिठाई की दुकान देख लो, यहाँ इतनी सारी। तो जब मैं मिठाई लेके घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरे सारे रिश्तेदार एंड सारी फैमिली वाले बैठ के वेट कर रहे थे कि कब आएंगे लड़के वाले, क्योंकि वो अपने दिए हुए टाइम से काफी ज्यादा लेट। मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैं मिठाई की दुकान से लाई हूँ। तो मैं काफी सारे समोसे लेकर आई हूँ, चिप्स लेकर आई हूँ, एंड मेरे मुंह में पानी आ रहा है ये सब देख के। मुझे खुद भी मन कर रहा है। सैड लाइफ। हमने सोचा लड़के वाले तो आ ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग आपस में ही थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं, रिश्तेदार वगैरह सब लोग अपना हम लोग वेट कर रहे हैं। गाइस फाइनली लड़के वाले आ चुके हैं, आप लोग देख सकते होता है। तो अभी बातचीत हो गई, तो भाई ये लोग वापस जा रहे हैं एंड हम लोग इनको विदाई देने आए हैं बाहर जाने के लिए। बाय टाटा करने आए हैं और अभी एक चलते हैं हम लोग अंदर। तो हाँ भाई सब लोग चले गए, अब बचा हुआ मिठाई खा रहे हम। ओके गाइस, सो कल मेरे को लड़के वाले देखने आए थे एंड आज सुबह उनका कॉल आया एंड उन्होंने बोला कि हमारे लड़के को आपकी बेटी बिल्कुल भी नहीं पसंद है एंड रीजन अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपको लिटरली हंसी आ जाएगी। बट रीजन ये था कि वो भाई साहब सौरभ जोशी के काफी बड़े फैन है एंड मैंने बिकॉज ये सौरभ जोशी के अगेंस्ट में वीडियो बनाती है। मुझे तो लिटरली इतनी हंसी आई, मैंने कहा भाई ये क्या बचकाना बातें हैं। बट हाँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं भी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी किसी सौरभ जोशी के फैन के। ओके गाइस, तो मैं बता दूं कि ये सब एक प्रैंक था गाइस, ये सब मैं मजाक कर रही थी आप लोग के साथ। मेरी शादी अभी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, अभी मैं इन चीजों के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। अभी मेरे को बहुत सोचती नहीं हूँ, ये बस ऐसे ही मैंने मजाक में वीडियो बना दिया, प्रैंक कर दिया आप लोग के साथ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं।